ऑनलाइन वाला चेक करो आवाज आ रही क्या हेलो हेलो चलो ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है चेक करो हेलो हेलो और कोई नहीं ना फेस टू फेस में कोई आने वाला है क्या और तो कल तुम इतने ही लोग थे क्या क्या ज्यादा थे कल फिर लिया होता ना मैंने ऑनलाइन क्या दिक्कत थी इतनी ज्यादा है सो तो गो गोट काफी है चलो अरे ऑनलाइन वालों चैट करना बस करो क्या चॉपर चल समरी बनाया था ना ने चैप्टर वन का पूरा तो दस मिनट में रिवाइज हो जाएगा नहीं नहीं बट डिटेल में रिवाइज करना है अपने को चल ऐसे कितने लोग हैं ऑनलाइन में जिन्होंने एस एम पहली बार पढ़ा है मतलब पढ़ रहे हो पहली बार अभी इसके पहले पढ़ा ही नहीं है होंगे ना ऐसे कुछ यहां पे भी है ना तुम लोग देखिए एस एम के टाइम पे हाँ नहीं बुक मत दिखा रहे बुक तो तू तो कहाँ से भी ला सकता हाँ यहाँ कुछ गया क्या वो इम्पोर्टेंट है समझना ए सी बंद है कि ए सी चालू करो ना वहाँ से को पायलेट पायलट नहीं आया आज ऊपर के बटन दोनों क्या अभी कब आएंगे एग्जाम के बाद अच्छा अभी आएंगे ही नहीं दो दिन के लिए गया क्या को लगा एग्जाम के सबसे हम्म तो बीकॉम की एग्जाम देने गया है ना सीखो कुछ तुम लोग भी तुम लोग भी बीकॉम की एग्जाम देने के कहा तो जाओ चलो लेट्स स्टार्ट सो एसम का चैप्टर नंबर वन कोशिश ये रहेंगी अगले एक से डेढ़ घंटे के अंदर उसको कंप्लीट किया जाए सो दैट हम रात को ग्यारह बजे एस का चैप्टर नंबर टू कंप्लीट करेंगे ये नहीं नहीं समय लगेगा डिटेल मैराथन में अपन सिर्फ इतना करेंगे अभी तो डिटेल लेना पड़ेगा ना राइट चलिए लेट्स स्टार्ट पहले तो बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की हमने अभी तक ऑपरेशंस मैनेजमेंट काफी हद तक देख लिया है ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हम ऑपरेशंस को मैनेज क्या करते थे राइट right? ऑपरेशंस की मीनिंग मैनेजमेंट की मीनिंग मुझे बताओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में ये स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है वेन आई यूज देवर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट व्हाट इज स्ट्रेटी व्हाट एक्जैक्टली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लानिंग कौन से प्रोसेस का कौन सा प्लान क्या स्ट्रेटेजी ऐसा ठीक है तो मुझे एक बात बताओ ऑपरेशन मतलब काम करने का तरीका अगर मैं ऑपरेशन में प्रोडक्शन की बात करता हूँ मैन्युफैक्चर की बात करता हूँ ट्रेडिंग की बात करता हूँ सर्विस प्रोविजन की बात करता हूं तो ये चीज कैसे होनी चाहिए इस सब को मैं क्या करूंगा ऑपरेशन मैनेजमेंट में कवर करूंगा बट इसके ऊपर जो बैठा वो मैनेजमेंट है जो ये चीज करनी है नहीं करनी है कब करनी है कितनी करनी है इसको प्लान कर रहा है क्या यह स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है राइट मुझे बताओ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा क्या नहीं ये बाकी लोगों तक भी होता है हाँ, बट ये है बट जरूरी कि स्टार्ट और एंड टॉप लेवल से होगा बिकॉज वो ओनर्स है वो मैनेजर्स है वो डिसीजन मेकिंग करने में बहुत ज्यादा यू कैन से केपेबल भी है और उनका ही कंपनी है तो उनकी ही सुनी जाएगी सीधी सी बात है चैप्टर नंबर वन में अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर वन का नाम है

उसको बताना विजन मिशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव मुझे क्या होता है फ्यूचर में, मतलब में क्या हम करना चाहते हैं अपने आप को हम कहा देख रहे हैं ठीक है मिशन का मतलब क्या होता है वो विजन को अचीव करने के लिए मैंने टुकड़ों में कुछ चीजें बांट ली होंगी अच्छा मुझे आपका एग्जाम्पल दो आपका विजन क्या हो सकता है जिंदगी में पास होना विजन बस इतना छोटा विजन सीएमए बनना और तू तो पास होना सीएमए बनने की किस बात है ना देखो किसी के दिमाग में ऐसा होगा कि यार मुझे ऐसा टाइप का बिजनेस बनाना है मुझे ऐसा टाइप की कंपनी बनानी है राइट मुझे इतना इतना पर्टिकुलर पैसा चाहिए मुझे ये प्लेनेट खरीदना है हो सकता ना हां बड़ा सोचो ना यार कुछ जिंदगी में बराबर ना

जैसे कि अगर आपको सपोज ऐसा है कि मुझे एक महीने में एक करोड़ रुपया कमाना है, ये मेरा ड्रीम है suppose, क्या? की उस विजन को अचीव करने के लिए सिर्फ सीए में बनना इनफ है क्या इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें लगेंगी तो सपोज ऐसा ही और एक मिशन आ गया ऐसा ही तीसरा और एक मिशन आ गया कोई स्टूडेंट के दिमाग में ऐसा होगा कि मुझे फॉरेन में जाकर पढ़ाई करनी है ठीक है चलो वो एक अलग मिशन आ गया

से फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल अलग अलग सब्जेक्ट है राइट right? इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस है आपको बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं किसी के पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं होगा तो उसको पैसा इंतजाम करना ये भी एक गोल बन गया ये भी एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि यार मुझे पढ़ना है पढ़ने के लिए मुझे पैसा चाहिए चलो पढ़ने के लिए मुझे क्लास भी लगाना है बुक्स भी खरीदने हैं आई नीड मनी कहा से लाओ मैं ये ये भी एक चैलेंज बन सकता है ये छोटी छोटी चीजें जो होने वाली है फाउंडेशन लेवल जो है ये हो गया एक ऑब्जेक्टिव आपका फिर इंटरमीडिएट लेवल एक ऑब्जेक्टिव हो गया फाइनल लेवल एक ऑब्जेक्टिव हो गया अब इंटरमीडिएट सा गोल तो अचीव करोगे तो क्या अचीव होगा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे तो क्या अचीव हो जाएगा मिशन मिशन अचीव करोगे तो क्या अचीव हो जाएगा विजन एक और टर्म हमने पढ़नी है वो वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट हर बिजनेस को अपना शॉर्ट पता होना चाहिए हर इंसान को अपना शॉर्ट पता होना चाहिए हर स्टूडेंट को अपना शॉर्ट पता होना चाहिए शॉर्ट है क्या फुल फॉर्म तो बोले ना तुमने स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट है क्या डू यू मीन स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट मतलब मैं क्या कर सकता हूं ऑर्गेनाइजेशन जान दो आप अपनी बात करो अपन अपना किस डिस्कस करते हैं एज अ स्टूडेंट आपकी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है अच्छा स्ट्रेंथ वीकनेस डिफर करेगा सब लोगों का स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके अंदर या बाहर है

अच्छा ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स देख रहे हो आपके पास ये वाला समरी मैंने शेयर नहीं किया अभी तक मैं ये समरी शेयर कर दूंगा सो यू कैन रेफर इट लेटर ऑन फोटो वगैरह खींचने की जरूरत नहीं कुछ करने की जरूरत नहीं सिर्फ सामने ध्यान दो डाउट रहा डाउट पूछते जाओ और चीजें क्लियर करते जाओ ठीक है मैं इसके साथ साथ कुछ चीजें मॉड्यूल में भी मार्क करवाऊंगा कुछ की वर्ड यहाँ पे तो कवर्ड है उसके अलावा भी एडिशनली वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा यू कैन रेफर इट लेटर ऑन ठीक है चलिए लेट्स स्टार्ट देखना सामने स्ट्रेटजी में क्या लिखा हुआ है एग्जाम में आपको स्ट्रेटेजी डिफाइन करने का क्वेश्चन अगर आता है तो आपने ये पहला क्वेश्चन का आंसर लिखना है दैट इज टू डायरेक्ट दी ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग अवर रिसोर्सेज इन अ वे टू गेन एडवांटेज इन डायनेमिक बिजनेस एनवायरमेंट टू मीट स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन तोड़ तोड़ के समझते हैं पहले याद तो बाद में कर लेंगे अपन देखो स्ट्रेटेजी वो चीज होती है जो हमें हेल्प करती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन देने के लिए डायरेक्शन देना मतलब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू टेक व्हाट आर द नेक्स्ट 10 स्टेप्स दैट वी नीड टू टेक तो आगे क्या करना है ये कौन बताएगा हमारे स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी कौन से बेसिस पे डिजाइन की जाती है वही हमारा विजन मिशन गोल्स देखना यूजिंग आवर रिसोर्सेज रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा पैसा आ जाएगा क्या हां लेबर आ जाएगा क्या हां रॉ मटेरियल आ जाएगा क्या हां और एनीथिंग दैट यू यूज एज अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस एवरीथिंग इज योर रिसोर्सेज तो ये रिसोर्सेज जो मेरे पास है ये रिसोर्सेज को मुझे यूज करना है उनको यूज करने के लिए मुझे डायरेक्शन बनाना है और इससे मुझे क्या होगा I'll gain some advantage. Advantage किस तरीके का? एक competitive advantage जो बाकी लोगों के पास पास नहीं है मेरे पास है, है, right? मेरे मतलब मतलब बार-बार होता रहता है, ever changing. मतलब in short आपने सोचा कि यार सब लोग मोबाइल फोन बना रहे मैं भी मोबाइल फोन बनाता हूँ इतने में किसी ने तो टैबलेट बना दिया किसने तो वॉच बना दी तो जब तक आप कुछ सोचोगे आप कुछ करने जाओगे उतने में सब कुछ आपस से चेंज हो जाएंगे तो यू नीड टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम जीरो so, ठीक है सो डायनामिक बिजनेस एनवायरमेंट टू मीट स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन स्टेक होल्डर कौन होता है शेयर होल्डर तो पता है स्टेक होल्डर कौन है शेयर होल्डर मतलब कौन जो ओनर है जिन्होंने पैसा डाला हुआ है जिनके पास शेयर्स है स्टेक होल्डर कौन होता है जिसके पास अरे बोलना मेजोरिटी शेयर्स है हाँ कोई भी वो व्यक्ति जो कर लेता है अपने जिंदगी में क्या गवर्नमेंट हो, हो सकती है क्या? That right? क्योंकि उसका भी कुछ ना कुछ चेंज उसका भी फाइनेंस या कोई भी चीज स्टेक पे लगी हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ दी कंपनीज डिसीजन तो हमें ये स्टेक होल्डर्स जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन आता है सबसे इंपोर्टेंता है आपके शेयर होल्डर्स तो शेयर होल्डर इज अ पार्ट ऑफ दी स्टेक होल्डर उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा क्यों बिकॉज़ उन्होंने तो पैसा डाला हुआ है ना ठीक है सो so, अच्छा कंपटीटर आपके शेयर स्टेक होल्डर हुए क्या यस yes. क्यों नहीं वो भी आप ही के साथ इंडस्ट्री में काम कर रहा है आपने Jio के जैसा कुछ फ्री कर दिया तो बाकियों का इफेक्ट हुआ क्या नहीं हुआ हुआ ना सी पॉजिटिव इफेक्ट है नेगेटिव इफेक्ट है ना इसकी अपन बात नहीं कर रहा ठीक है

एंड कॉम्पिटेटर्स बिहेवियर मतलब क्या हो गया इसका डील विथ कस्टमर एंड कॉम्पिटेटर बिहेवियर क्या मतलब हो गया इसका अच्छा कस्टमर का बिहेवियर इंपोर्टेंट है क्या क्यों कस्टमर की तो जो सब खरीदेगा अदरवाइज में बना के भी रखूंगा कस्टमर ने खरीदा ही नहीं

कस्टमर और के के बिहेवियर को टैकल करने के लिए समझने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। समझने के बात तो आपने होती है सेकेंड चीज क्या होता है जो भी आप दूर तक का देख रहे हो उस पर चलना कैसे हो रास्ता कैसे बनाना है ये चीज आ गया तीसरा चीज क्या है कस्टमर और कॉम्पिटिटर का बिहेवियर जो भी है ये बिहेवियर को हमने फेस कैसे करना है उसमें हमने

एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या लिखोगे फीचर्स और स्ट्रैटी में क्या फर्क है बोलो फीचर्स और स्ट्रैटेजी में क्या फर्क है फीचर्स और कैरेक्टर में क्या फर्क है ये तो दसवीं के स्टूडेंट को भी पता होता है हाँ बोलो फीचर्स और कैरेक्टर में क्या फर्क है नहीं कोई भी चीज के फीचर्स और कोई भी चीज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मतलब आप ऐसा सोचो ना इंसान की फीचर्स इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या डिफरेंस है ये किस कैटेगरी की बात कर रहे हो तुम फीचर्स <laughs> मतलब विच इज ऑलरेडी विद इन अच्छा और कैरेक्टरिस्टिक मतलब विच इज नॉट विद इन कैरेक्टर स्टिक्स मतलब स्पेशलिटी ठीक है और फीचर्स uh, मतलब क्या क्या फीचर्स मतलब एक्सटर्नल होते हैं ओके और कैरेक्टर uh, स्टिक्स मतलब इंटरनल होते हैं प्रणव बोल रहा है फीचर्स मतलब एडवांटेजेस कैरेक्टर मतलब प्रॉपर्टीज नहीं ये और कंफ्यूज कर दिया तुमने मुझे चलो मुझे बताना एक चीज देखो हम जब बोलते हैं कि इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हर इंसान वैसा ही होगा हर इंसान के अंदर में वो चीज होने वाली है स्ट्रेटेजी के मतलब हर स्ट्रेटेजी में ये चीजें होने वाली है ये उसके इनबिल्ट है ये होने वाला है हर जगह होने वाला है जब मैं बोलता हूँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स टैक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है OMSM के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है कॉस्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है ये उस सब्जेक्ट की खास बात है वो उसी में होने वाली है और कहीं नहीं होने वाली है। राइट right. बट जब मैं फीचर्स की बात करता हूँ कुछ सिलेक्टेड चीजें हो सकती है जो वहां भी है जो और कहीं भी है या फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर इंसान है तो उस इंसान में वो हंड्रेड फीचर्स होने चाहिए नहीं शायद हंड्रेड फीचर्स जो पॉसिबल है उसमें से ही होंगे है, में होंगे, जाएंगे, जो एक में होते ही है क्योंकि वो इंसान तभी कहलाएंगे जब वो सब characteristics उस इंसान में होंगे ठीक है सो स्ट्रेटेजी तभी कहलाएंगे जब ये सभी चीजें जो है जो हम अभी बात करेंगे ये सब उसमें होने वाली है तो सर इसका मतलब क्या है ये फीचर जो है ये जरूरी नहीं है क्या

चलिए कैरेक्टर सिक्स के अंदर में ध्यान देना कुछ नाइन पॉइंट है टोटल आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे चलिए पहला पॉइंट क्या है लॉन्ग टर्म सी यू टॉक अबाउट स्ट्रेटेजी विजन मिशन पहली चीज हमेशा रहने वाली है लॉन्ग टर्म दूसरा एडवांटेजेस एडवांटेजेस Advantage का मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रही है ये, है यहां पे. ये देखना है यहां इज स्ट्रैटेजी विद लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ऑफ कंपनी ये लॉन्ग टर्म डायरेक्शन की बात हो गई अरे इसको एडिट नहीं हो रहा क्या ये ठीक है चलो यही ध्यान देते हैं अपन ने मार्क किए थे ना यार ये चीजें या नहीं किए थे हाँ चलो सो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन अपन ने देख लिया कंपनी के लिए उसके बाद क्या दिया हुआ है उसके बाद क्या दिया हुआ है सेकेंड वन वोज एडवांटेज एडवांटेज मतलब कंपनी के लिए एडवांटेज अचीव करना क्या किस टाइप के एडवांटेज की बात हो रही है ये देखो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन ठीक है अचीव एडवांटेज ओवर दी कंपटीशन

कौन सा सामान कहां से जाएगा उसके लिए कौन सा रास्ता बना हुआ है कहां पे स्टोर होगा ये भी स्ट्रेटेजी का पार्ट हो सकता है क्या बिल्कुल हाँ उसके बाद स्ट्रेटेजी कैन बी सीन एज मैचिंग दी रिसोर्सेज एंड दी एक्टिविटीज Of the environment in which it operates. मतलब कौन से यूज़ करने हैं, कब यूज करने हैं? मेरी कैपेसिटी कितनी है तीन तीन मशीन मशीन में काम चल जाएगा क्या? तो को किस तरीके से यूज करना है स्पेयर में मशीन रखनी है ये भी मुझे सोचना है उसके बाद स्ट्रेटजी कैन बी सीन एज स्ट्रेचिंग एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस एंड कॉम्पिटेंसीज टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज मेरी स्ट्रेटेजी जो है ये मुझे हेल्प करेंगी नए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए कैसे हाउस हो सकता है मार्केट में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो आपको दिखाई नहीं दे रही बिकॉज आप एक पर्टिकुलर रस्ते पे चल रहे हो तो आपको अपना रास्ता वाइड रखना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकती है और आप कौन से कौन से अपॉर्चुनिटीज के लायक हो सी कॉमर्स स्टूडेंट आप ऐसा ऑपॉर्चुनिटी देखोगे है, है, नहीं ना अप्लाई करते नहीं जाऊंगे ना हाँ आप एक तो आप, कॉमर्स में घूमोगे तो आपको आपका जो स्कोप है ये पता होना चाहिए और उसके हिसाब से आपकी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए वो स्ट्रेटेजीज उसके बाद इट रिक्स uh, में रिक्वायर मेजर रिसोर्स चेंजेस मतलब क्या अगर आपकी कंपनी काम कर रही है बट अच्छे रिजल्ट नहीं ला पा रही है इसका रीजन ये भी हो सकता है कोई एक हाथ एम्प्लॉय में इसका रीजन ये भी हो सकता है बिजनेस का एक प्रोडक्ट तो ये मेजर चीज आपको चेंज करनी पड़ सकती है जस्ट बिकॉज यू विश टू इंप्लीमेंट अ पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी लास्टली इट विल अफेक्ट ऑपरेशनल डिसीजन आई से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की वजह से ऑपरेशन मैनेजमेंट पर फर्क पड़ता है यस yes. आइए यहाँ पे ये जो समी में हमने देखा है उसको देखते हैं अरे कहा गया समी यहाँ था ना हाँ

हर टाइप के स्ट्रैटेजी में ये सभी के सभी चीजें आपको दिखाई देगी जरूरी है क्या कि ये सभी के सभी फीचर्स भी दिखाई दे नहीं बट जरूरी है क्या कि ये सभी चीजें दिखाई देंगी हाँ ठीक है आइए नेक्स्ट ऑफ ऑफ ये of of ये जो जो हमने बनाया ये जो का नेचर है इसके वजह से कुछ चीजें हमारे साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो जाती है हम करते नहीं हमारा इंटेंशन नहीं है बट क्यों होती है बिकॉज हमने स्ट्रैटेजी को अपनाया ना तो स्ट्रेटेजी के साथ ये कॉन्सिक्वेंस आते ही है क्या क्या चीजें हैं पहला कॉम्प्लेक्स नेचर कई बार एक ऑर्गेनाइजेशन ये समझ नहीं पाता कि ये चेंज जो मैं चाह ही नहीं रहा था लाने के लिए क्या ये मेरी स्ट्रैटेजी की वजह से हुआ है क्या ये कोई कॉम्पिटिशन की वजह से हुआ है क्या ये मेरी कोई कमी की वजह से हुआ है किस वजह से ये चीज आई है नहीं समझ नहीं आ रहा है दूसरा प्रिपेर्ड इन अनसर्टन सिचुएशन कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं बनी हुई है जहां पे आपको पता है कि आने वाले इतने इतने समय में इतना इतना प्रोडक्शन होगा इतना इतना डिमांड होगा सब एग्जैक्ट चीजें पता है उसके सबसे से बना ली और एग्जैक्टली exactly वैसा ही काम कर रहा है नहीं

स्ट्रेटेजी के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में इसके पहले आ चुका है दो तीन बार स्ट्रेटेजी के बारे में इतना सब तो जान लिया क्या क्या देखा अपन ने स्ट्रेटेजी का डेफिनेशन देखा उसके बाद स्ट्रेटेजी के फीचर्स देखे फिर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे फोर्थ पॉइंट क्या था स्ट्रेटेजी अगर है तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या आते हैं और फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट हम देखेंगे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पहला जो एडवांटेज है दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्चार्जेस रेस्पॉन्सिबिलिटी सेकेंड है असेसमेंट इज फोर्स उसके अंदर में तीसरा है अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है फोर्थ है मेजर प्रोग्रेस फिफ्थ है प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव पांच पॉइंट

कितना हुआ नहीं, पर उसने एक सिस्टम ये ये अपने, को दे दिया, वो जुनियर्स अपने जुनियर्स से जाके काम करवा है तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट लेवल मिडल लेवल बॉटम so, लेवल ठीक है सो टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ डायरेक्टर इन्होंने पॉलिसी बना दी स्ट्रैटेजी बना दी अगले एक साल में क्या करने वाले मिडल लेवल मैनेजमेंट को काम दे दिया मिडिल लेवल मैनेजमेंट का का अपना दिमाग लगाने काम काम है है? क्या? क्या नहीं, उनका क्या काम है? जो बोला उतना करवा लो. से करवाएंगे? लेवल से करवाएंगे. कैसे बढ़ाना नया बिजनेस कैसे लाना, उस पे ध्यान दे सकते दूसरा असेसमेंट इज असेसमेंट मतलब चेकिंग बोल सकता हूँ बोल सकता हूँ आप कोई भी चीज को चेक कप करते हो जब आप उस चीज को करते हो ना आपके पास टारगेट दिया हुआ है आपको पता ही नहीं एक दिन में कितना पढ़ना है और आपने सिर्फ एक ही पेज पढ़ लिया तो आप एक पेज में भी खुश हो सकते हो यार अपन ने एक दिन में एक पेज पढ़ लिया बट टारगेट है सौ पेज पढ़ना आपने एक ही पेज पढ़ गया तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे ना यार एक ही पेज की पढ़ाई हुई करना तो सौ था कम से कम पचास तो होनी चाहिए थी तो टारगेट दे दिया गया है कैसे स्ट्रेटेजी से स्ट्रेटेजी है इससे हम अचीव करेंगे अब असेसमेंट करते रहो कि क्या हम वो अचीव कर पा रहे हैं अगर नहीं कर पा रहे हैं तो स्ट्रेटेजी गलत है क्या या स्ट्रेटेजी के ऊपर काम गलत हो रहा है क्या उसके बाद नंबर फोर मेजरिंग दी प्रोग्रेस एंड नंबर थ्री अंडरस्टैंडिंग असेसमेंट करोगे किस चीज का करूंगे? जो स्ट्रेटेजी आपने इंप्लीमेंट की है उस चीज का कि जो भी हमने चेंजेस लाया है उससे काम हो रहा है क्या तो इसके लिए आपको कंटिन्यूस मेजरमेंट करना पड़ेगा उसके लिए आपको आपकी स्ट्रेटेजी के साथ साथ आपके जो है वो किस तरीके से काम करते हैं, सभी को समझना पड़ेगा तो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई कि मेरा सेल्स सौ करोड़ टच होना चाहिए सेल्स सौ करोड़ टच हो गया दस एम्प्लॉय मर गए चलेगा क्या नहीं ना वो भी तो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है हो सकता है वो एम्प्लॉज इतने अच्छे है कि उनकी वजह से ये सौ करोड़ अचीव हुआ अगली बार तो कंपनी डूब जाएंगी ना वापस से नए कहां right? तो से लाओगे राइट तो कौन से कॉस्ट पे क्या चीज अचीव हो रही है ये भी समझना है और इसलिए मुझे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेकर के चलना है कोई एक डिपार्टमेंट के वेलबींग well फोकस नहीं करना है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होना चाहिए ठीक है डिसएडवांटेजेस क्या है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव खर्च करना पड़ता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए इम्प्लीमेंट करने के लिए इट इज नॉट एन इजी जॉब कई बार कंपनीज खुद नहीं कर पाती कंपनीज़ कंपनी को हायर करती है और वो एक्सपर्ट्स के पास से स्ट्रैटेजी बनवा के लेती है चेकिंग करवा के लेती है कई बार ऐसा भी होता है कि स्ट्रेटेजी बनाने का काम एक ऑर्गेनाइजेशन का है आउटसोर्स क्या हुआ है दूसरा काम स्ट्रेटेजी को चेक करने का कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दिया हुआ है और हम तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है नंबर फ्यूचर हैपन एज आपने तो सोच लिया हम ऐसा ऐसा करेंगे स्ट्रेटेजी से यही अचीव हो जाएगा फ्यूचर वैसा ना होगा जरूरी क्या फ्यूचर वैसा होने वाला सवाल नहीं आता नंबर लॉन्ग टर्म प्लान वैसे शॉर्ट टर्म रिजल्ट आपने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किया स्ट्रैटेजी का बेसिक नेचर ही क्या है लॉन्ग टर्म क्लियर है स्ट्रेटेजी का बेसिक नेचर है लॉन्ग टर्म आप हर दिन बैठ करके क्यों चेक कर रहे हो कि रिजल्ट आया क्या रिजल्ट आया क्या रिजल्ट आया क्या, result आया क्या? आप अगर आज उस को उसको चेंज करोगे तो लॉन्ग टर्म का प्लान है ना तो लॉन्ग टर्म के बेनिफिट्स चेक करने पड़ेंगे बट हालांकि हम एज बिजनेस शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पे अटके रहते हैं नंबर फोर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है एक बार अगर आपने प्लान बनाया कि आज मुझे अकाउंट्स और सपोज मुझे

स्ट्रेटेजी के अंदर में देरा फाइव टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी आइए इसको देखते हैं फाइव टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी कहा गया हाँ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट रूट्स फाइव रूट्स टू स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट और यू कैन से दीज आर फाइव टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी कौन से कौन से हैं ध्यान देना पहला इंटेंडेड स्ट्रेटेजी इंटेंडेड स्ट्रेटेजी है

मैंने नंबर वन करके देखा नंबर टू नंबर 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 दस प्लान करके देख लिया जो काम कर गया वो काम कर गया तो उसमें से एक फिर समझ गया कि इससे काम हो रहा है फिर जिंदगी भर क्या करूंगा वापस दस ट्राई करोगे क्या नहीं ना पता चल गया ना अभी उसको ट्राई करो वो हो गया रियलाइज मतलब आपने इंटेंशन से नहीं बनाया है अपने आप बन गई स्ट्रैटेजी रियलाइज कर लिया अपने स्ट्रैटेजी ठीक है तीसरा अनरियलाइज स्ट्रैटेजी मतलब क्या

इम्पोस्ट मतलब क्या थोपा हुआ। गवर्नमेंट ने कुछ changes ला दिए में उस वजह से आपके ऊपर आ गया वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का, कोई कोई का। डेढ़ लाख तक का रिडक्शन मिल रहा है अगर आप लोन ले रहे हो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने के लिए वो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर मिल रहा है। Atec है ना शायद? जो भी सेक्शन होगा चलो तो कहने का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे अगर हम खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है हमें लोन के ऊपर यू कैन से मिल रहा है टैक्सेस में तो हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेस करेंगे तो मार्केट कौन सा चलेगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाला मार्केट चलेगा आप पेट्रोल की व्हीकल क्यों परचेस करोगे अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक में फायदा मिल रहा है तो गवर्नमेंट स्कीम दे रही है टैक्स में फायदा अलग मिल रहा है पेट्रोल में फायदा अलग मिल रहा है तो आप क्यों नहीं प्रीफर करोगे ऑब्वियसली विल प्रीफर क्या मार्केट को चेंज करना पड़ेगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्यों बिकॉज आपका क्या है इंटेंशन

आप सभी लोगों ने गूगल मैप्स यूज किया होगा क्या करता है गूगल मैप्स आपका लोकेशन पहले ठीक है पुणे आपको जाना कहां है से दिल्ली ठीक है पुणे दिल्ली लोकेशन फिक्स कर दिया मैं आपके ऊपर अब वो क्या करेगा अलग अलग रूट दिखेगा गूगल मैप अलग अलग रूट स्टडी करेगा आपको भी बताएगा कि देखो ये चार रूट अवेलेबल है आप यहाँ से गुजरात से जा सकते हो ये मुंबई वाला रूट जा सकते हो ये रूट जा सकते हो ये रूट जा सकते हो चार रूट आपको दे दिए कितनी ट्रैफिक है कितना समय लगेगा कितने टोल है कितने ब्रिज है सब दिखा देंगे आपको फिर आप डिसाइड करोगे आपको कौन से रूट पे जाना है जैसे ही आपने सेलेक्ट कर देखिए मुझे ये वाला रूट चूज करना है वो उस पर टाइम ट्रेस करना चालू कर देगा जैसे ही आपको राइट जाना है वो इंडिकेशन दिखाएगा राइट जाना है अच्छा आप राइट की जगह लेफ्ट चले गए वो वार्निंग देंगे क्या तो कंटिन्यूस मॉनिटर करेगा क्या अगर आपने ऐप आप चालू रखा तो जब तक आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते नहीं वो मॉनिटर करेगा बस यही काम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कंपनी का करंट सिचुएशन समझता है कंपनी का टारगेट क्या है कंपनी का विजन क्या है उसको समझता है उसके बाद रोड मैप बनाता है रोड मैप बनाने के बाद ये भी देखता है कि शॉर्टेस्ट और बेस्ट रूट कौन सा अवेलेबल है हमें छोटा रूट नहीं चाहिए हमें रूट छोटा भी चाहिए बट एट दी मतलब आपको रूट छोटा मिल गया और वहां से कैसे खाई में से रास्ता जा रहा है जाऊंगा क्या आग में से रास्ता जा रहा है जाऊंगा क्या नहीं ना तो छोटा रूट तो चाहिए बट इट शुड बी फेवरेबल ऑल्सो बेस्ट रूट ऑल्सो एंड नंबर सिक्स इज एक्शन यानी कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा उस पर काम करना दूसरा इवेल्यूएशन एंड कंट्रोल

नंबर फोर प्रोवाइड डायरेक्शन नंबर फाइव इंप्लीमेंट चेंजेस दो चेंजेस व्हिच विल हेल्प यू टू बिल्ड दी ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रो दी ऑर्गेनाइजेशन आइए प्रोसेस ऑफ एसएम पॉइंट नंबर टेन प्रोसेस ऑफ एसएम फ्रेमवर्क समझा हमने अब प्रोसेस समझते हैं प्रोसेस के अंदर में देखो क्या है आइडेंटिफाई और डिफाइन दी पर्पस एनालाइज दी एनवायरमेंट ऑर्गेनाइज या रिवाइज और एक्चुअली ऑर्गेनाइज द डायरेक्शन

सही है ठीक है गो है नहीं है तो उसको सेट कर लो उसके बाद क्या करोगे ऑप्शन इंप्लीमेंट करना है और फिर कंटिन्यूस चेक करते रहना है कि जो आपने किया है वो आप सही तरीके से फॉलो कर रहे हो या नहीं ठीक है तो एक्जैक्टली सेम चीज है बस यहाँ पे स्टेप पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर फोर एग्जैक्टली ये कैसे दिखता है टेक्स्ट के अंदर मैं बताता हूं आपको ये देखिए ये एसएम का फ्रेमवर्क है

स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन करो और स्ट्रेटेजिक एंड कंट्रोल करो इसको हमने इसके साथ भी जोड़ा हुआ है कि अगर मुझे सीए में करना है तो मैंने डायरेक्ट डिसाइड कर लिया कि सीए में करना नहीं ये भी एक प्रोसेस था आपने ट्वेल्थ 10, पास किया तो उसके बाद आपने सोचा ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है राइट फिर आपका पर्पस क्या है वो पर्पस के हिसाब से हम हमारा करियर चूज कर सकते हैं फिर उसका एनवायरमेंट स्टडी किया स्कोप कितना है

ये एक चार्ट है जिसके अंदर में सब कुछ डाला हुआ है ठीक है आइए फटाफट -फड़ से देखते हैं क्लियर है ना विजिबल है चलिए वर वर क्वेश्चन नंबर सभी लोग साथ में बोलेंगे ऑनलाइन वालों आवाज आनी चाहिए मुझे चलो स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है स्ट्रेटेजी का मतलब सिंपल था डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द रिसोर्सेज रिसोर्सिस विल गिव यू कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इन टर्म डेवलपमेंट कस्टमर एंड कॉम्पिटेटिव बिहेवियर को डील करने की एनर्जी एंड विजन मिशन ऑब्जेक्टिव गोल इज रोड मैप कैरेक्टर क्या थे लॉन्ग टर्म है एडवांटेजियस है उसके बाद क्या है नेक्स्ट रिसोर्सिस uh, है रिसोर्सिस चेंजेस लाने वाले हैं आपके एनवायरमेंट में उसके बाद स्कोप ऑफ एक्टिविटीज आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज प्लस न्यू अपॉर्चुनिटीज और उसको कैटर करना उसको अचीव करना और ये इसका इंपैक्ट पे भी होता है एडवांटेजेस क्या है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्चार्जेस असेसमेंट ऑटोमेटिक फोर्स हो जाएगा उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग भी होगा हम प्रोग्रेस भी मेजर करेंगे और लास्टली पूरे ऑर्गेनाइजेशन का परसपेक्टिव मिलेगा डिसएडवांटेजेस में क्या है एक्सपेंसिव है ये yes. उसके बाद फ्यूचर अनसर्टन हो सकता है उसके बाद लॉन्ग टर्म वर्सेज शॉर्ट टर्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स में क्या देखा पांच टाइप्स थे। इंटेंडेड रियलाइज्ड अनरियलाइज्ड, इम्पोज एंड इमरजेंट ठीक है उसके बाद एसएम का के इंपोर्टेंस डिस्कवर स्वॉट, डिस्कवर ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स एग्जाम्पल करोकेशन करंट सिचुएशन टारगेट रोडमैप क्या है शॉर्टेस्ट एंड बेस्टेस्ट रूट अवेलेबल एंड एक्शन लो इवेल्युएट करते जाओ उसके अलावा प्रोसेस के अंदर में छह पॉइंट आइडेंटिफाइफाइन योर पर्पज स्टडी दी एनवायरमेंट एनवायरमेंट एनालिस रिवाइज दी डायरेक्शन और सेट दी डिरेक्शन

ये चार चीजों के ऊपर काम करता है पहला ये भी रोडमैप बनाएगा स्ट्रेटेजी ने रोडमैप में तो, स्ट्रेटेजी विल तो विजन राधर विल हेल्प यू टू डिफाइन स्ट्रेटेजी बट विजन विल आल्सो हेल्प यू टू डिफाइन मिशन अगर विजन ही पता नहीं है तो मिशन कैसे सेट करोगे जब आपको पता होगा सीएम फाइनल देना है तब तो सीएम इंटर दे रहे हो ना आप सीए में इंटर दे रहे हो फिर देखेंगे क्या करना है सीएस करना है तो सीएस दे देंगे सीए करना है तो सीए दे देंगे ऐसा नहीं है ना आपने एक रोड मैप चूज किया हुआ है उसके अंदर आप एक एक करके आगे बढ़ रहे हो ठीक है नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या क्या कर सकता है मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज क्या क्या है मैनेजमेंट का विजन क्या क्या है इंडिविजुअली कंपनी का नहीं ये भी हाईलाइट होगा इसमें से एट दी सेम टाइम पॉलिसीज कौन से पॉलिसीज की बात हो रही है कंपनी कौन टाइप के पॉलिसी सेट कर सकता है क्या कहा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकता है ये आ अब विजन के दो क्वेश्चन विजन का गुड विजन देखो विजन हर ऑर्गेनाइजेशन का होता है कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का विजन है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है बट लोगों को पता नहीं है ऐसा भी होता है कंपनी को भी पता नहीं उसका विजन क्या है बट विजन है बिना विजन के चीजें नहीं हो सकते ठीक है तो विजन है विजन अच्छा बना है इसके कुछ अलग बेनिफिटिट है सी विजन रहना इसके कुछ बेनिफिट है क्या नहीं बट अच्छा विजन रहा तो अच्छी चीजें हो सकती है तो अच्छे विजन के बेनिफिट्स है बट विजन का बेनिफिट नहीं हो सकता, हो सकता सकता विजन का पर्पस है हमें विजन क्यों चाहिए बेसिक नीड बट अगर अच्छा विजन रख लिया देखो चाहिए तो पक्का बट चाहिए ही तो अच्छा करो अच्छा करोगे तो उससे और फायदे मिलेंगे तो करना क्यों है पर्पस अच्छा क्यों करना है क्योंकि उसके कुछ फायदे है बेनिफिट

We'll तो चेंज कब करोगे जब आप मेजरमेंट तो मेजर कर पाओगे तो हम लोग कोई भी चीज की शुरुआत ऐसे करते हैं कि कुछ बड़ा करना है बहुत पढ़ेंगे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको पता है की हम पास भी नहीं होंगे शायद फिर भी वो स्टार्ट करेंगे कि मुझे रैंक लाना है हम स्टार्ट बड़ी चीज से करते हैं ना हमेशा राइट दिल पे लगी के बाद नहीं ना थोड़ी सी ठीक है हाँ चलो वापस से चांस मिलेंगे ये चीज करने का तो भी नहीं दे रहा एग्जाम तो क्या को बैठा है फिर ये बताया नहीं तूने मेरे को मैंने पूछा था उस दिन हाँ क्या हाँ स्ट्रेटेजी ऐसी स्ट्रेटेजी यूजुअली ना तो आगे का नहीं बोलूंगा मैं हाँ तो कहा थे अपन हेल्प टू क्रिएट अ पैशनेट एनवायरमेंट अगर मुझे पता है कि यार इंडिया ने 400 का स्कोर कर दिया ये बांग्लादेश को पता है तो बांग्लादेश उसके सबसे स्टार्टिंग में तो एनर्जी डाल के चालू करेगा काम करना फिर तो वो बोले धीरे धीरे गिरते जाएंगे ये अलग बात है सेम चीज अपन भी करते हैं राइट right? कोई भी बिजनेस यही करेगा कि अरे कोविड है ऑटोमेटिकली व्हाई बिकॉज वो टारगेट बहुत बड़ा दिखता है उसके लिए बहुत समय लगता है बहुत टाइम लगेगा बहुत रिसोर्स लगेंगे ठीक है उसके बाद क्रिएट क्रिएटिविटी आपने एक डायलॉग सुना होगा शायद से कि, आ, बिजनेस वाले जो लोग है बिजनेस जो है ये यूजली आलसी लोगों को पर्टिकुलर जॉब के लिए क्यों ताकि वो जॉब करने का आसान तरीका वो इंसान ढूंढ के निकाले ये वही बात है तो अगर आपका विजन कॉन्क्रीट कॉन्क्रिटी मुझे ऐसा करना ही है तो उसका आसान तरीका क्या है? मैं ढूंढ के निकालूंगा ठीक है तो उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए इनोवेशन चाहिए ये इनोवेशन क्रिएटिविटी तब आएंगे जब आपका विजन होगा ना आपको पता तो होना चाहिए करना क्या है फिर उसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे सोचूंगा ना राइट चलो नेक्स्ट प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप हर इंसान अपना कुछ करना चाहेगा क्यों बिकॉज उसे वो बड़ा विजन सामने दिख रहा है राइट सो फाइव थिंग्स साथ में बोलेंगे पर्पस में क्या क्या है पहला क्या है प्रोवाइड्स डायरेक्शन दूसरा क्या है प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप आई बेनिफिट्स अगर देखो पर्पस तो समझ गया आपको बट ये करना ही है ना एज अ फॉर्मेलिटी तो फॉर्मेलिटी क्यों अच्छे से करो ना पूरा जीजान लगा के अच्छे से विजन सेट करो तो अच्छा विजन सेट करने का फायदा क्या होगा पहला इंस्पायरिंग लोग इंस्पायर कि हाँ ये करना है मुझे अपने लिए करना है मुझे दूसरा, काम किसके लिए कर रहे हैं उसके सैलरी के लिए ओनर को खुश करने के लिए ताकि ओनर उसे सैलरी दे दे अगर एम्प्लॉय को ऐसा लगेगा कि ये मेरी कंपनी है मैं जितना काम करूंगा उतना मुझे बोनस ज्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली ज्यादा काम करेगा ना

टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की अगर बात करें सब टेलीकम्युनिकेशन सेम जॉब कर रही थी जियो ने भी वही काम किया है बट जियो ने अपने अपने आप अपने को बताया कैसे हम इंटरनेट फ्री दे रहे हैं पैसा तो भी ले रहे हैं इंटरनेट का बट उन्होंने डिजिटल इंडिया का फायदा उठा लिया उस समय पर जो बाकी लोग नहीं कर पाए तो अच्छा विजन क्या है हमें इंटरनेट आसान बनाना है इंडिया में इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना है इंडिया में ठीक है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंटेशन मतलब जितना अच्छा विजन उतने आप शॉर्टकट ढूंढना चाहिए अनरियलाइज स्ट्रेटी मिल जाएंगे जो चीज आपने सोची नहीं वो भी आपको मिल गई एक्सपेरिमेंटेशन से नेक्स्ट लॉन्ग टर्म थिंकिंग आज का मत सोचो कल का मत सोचो आज से दस साल का सोचो ठीक है उसके बाद लास्टली इंटीग्रिटी सब लोग उसी गोल की तरफ काम कर रहे हैं कोई भी एक दूसरे का नुकसान नहीं पे, ठीक है? है, रहना क्या है? Vision का, हमने देखे पांच पॉइंट बोलो वापस से। पहला provides direction. सामने देख के बोलो? दूसरा तीसरा प्रमोट्रीनरशिप अच्छा विजन अगर हो जाता है तो उसके बेनिफिट क्या है पहला इंस्पायरिंग दूसरा अहेड तीसरा शेड सेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन सिक्स लॉन्ग टर्म थिंकिंग सेवेंथ इंटीग्रिटी आइए एलिमेंट्स आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ विजन नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ बट लेते हैं चलो ध्यान देना फ्रेम मिशन अगर विजन नहीं होगा तो मिशन नहीं हो सकता विजन से ही मिशन बनेगा एक विजन से तीन चार मिशन बन सकते हैं ठीक है दूसरा इट डिफाइन्स टर्म पाथ अगर विजन नहीं है तो आपका लॉन्ग टर्म पाथ भी मिसिंग है तीसरी चीज आपका विजन है बट आपने लोगों को बताया नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा आप क्या करना चाह रहे हो उनकी जिंदगी आसान कैसे होंगी आप कुछ कर रहे हो उससे बताना पड़ेगा लोगों को सो दैट इज वॉट वी से आपका विजन जो भी है उसको क्लियरली कम्युनिकेट किया जाए लोगों के तरफ ठीक है आप अगर कोई कार खरीदने जा रहे हो टू व्हीलर खरीदने जा रहे हो साइकिल खरीदने जा रहे हो और वो कंपनी के सामने लिखा होता है हमारा ये ये है हमारा विजन कि हमारे कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस देना सबसे फालतू तो सर्विस उसी की होंगी बट वो नाम पढ़ के आप दो मिनट के लिए कन्विंस हो जाते हो कि अरे हाँ इसका विजन है सबसे अच्छी सर्विस देना तो ये सबसे अच्छी सर्विस दे रहा होगा शायद इसके पास ही खरीदते अपन गेटिंग दी सोर नो सो विजन अगर है उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं तो उसको हमने कम्युनिकेट भी करना है यहां पे विजन होता है खत्म आइए लेट्स टॉक अबाउट मिशन मिशन के अंदर में डेफिनेशन देखना समरी ऑफ मिशन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन देखना इट डिफाइन्स कंपनीज रीजन फॉर एग्जिस्टेंस स्टेटमेंट ऑफ द फ्यूचर कहां था विजन एग्जिस्टेंस का रीजन कहां है मिशन मतलब क्या एग्जिस्टेंस का रीजन मतलब क्या हम इस मार्केट में क्यों हैं हमारी कंपनी कर क्या रही है एग्जैक्टली इज द रीजन फॉर अवर एग्जिस्टेंस हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं हम एग्जैक्टली exactly कर क्या रहे हैं हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कौन सा टाइप के कस्टमर को हम सर्विस दे रहे हैं ये हो गया यहाँ पे ठीक है स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज इंटेंट इंटेंट इंटेंशन हमारा इंटेंशन क्या हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं तीसरा देखो कंपनी अनाउंसेस व्हाट इट इज प्रोवाइडिंग टू द सोसाइटी ऑल थ्री इज नथिंग बट वन वन इन तो अगर मैं सपोज बात करता हूं फॉर एग्जांपल से इंस्पायर एकेडमी की बात करते हैं हमारा विजन क्या है हमारा विजन ये है कि यार हमने जो आ, क्या बोलते हैं एक कॉर्पोरेट एरिया कॉर्पोरेट एरिया बोलो बिजनेसमैन बोलो इनमें जो सीएस सीए में ये लोगों की जरूरत पड़ती है वो लोगों के लिए हम एजुकेशन वगैरह दे रहे हैं हम ये लोग बढ़ाना चाहते हैं राइट

अच्छा CS, इस दुनिया को देना चाहता हूं उसके लिए हम कर क्या रहे है अभी? हम इंक्लूड हो क्या -क्या होता है सर्विस आपका आपका और वो कौन से तरीके का है क्या है दूसरा कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो तीसरा कौन से मार्केट आप सर्व करते हो अब अगर अपन इंस्पायर का एग्जांपल कंटिन्यू करें डेफिनेशन ऑफ सर्विस क्या हो गया कोचिंग क्लासेस हो गए टेस्ट सीरीज हो गई राइट right? और जो भी होगा मटेरियल स्टडी मटेरियल नोट्स वगैरह हो गए टेक्नोलॉजी यूज क्या हम ऑनलाइन में भी प्रेजेंट है गूगल ड्राइव रिकॉर्डिंग में भी प्रेजेंट है फेस फेस टू में भी प्रेजेंट है मार्केट सर्ड ये मार्केट सर्ड में वो इंडिविजुअल लेवल आ जाएंगे सीएमए फाउंडेशन सी एस डबल्यू टी सीएमए इंटर सी एस एक्सिक्यूटिव सीएमए फाइनल सी एस प्रोफेशनल ट्वेल्थ हो गया बीकॉम हो गया ये सब मार्केट सर्ड है कि इस मार्केट में अगर आप कस्टमर हो तो आप हमारे पास आ सकते हो उसके बाद नीड ऑफ कस्टमर्स मुझे लोगों को बताना है कि अगर आपकी ये जरूरत है तो हमारे पास आइए हम वो जरूरत पूरी करके दे सकते हैं एंड लास्टली कॉम्पिटेंसी जब हम बोलते हैं कि हमारे पास टॉप क्लास फैकल्टीज है हमारे फैकल्टीज ये सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है तो ये क्या हो गया दिस इज दी कॉम्पिटेंसी हमारी कैपेसिटी का हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं Getting the point, सो और नो। so, इस तरीके से से हम करते हैं, mission. मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं विजन का मतलब क्या है दूसरा पॉइंट मतलब क्या है कौन सी टेक्नोलॉजी तीसरा पॉइंट क्या है कौन से मार्केट को आप सर्व करना चाहते हो फोर्थ पॉइंट क्या है कस्टमर का नीड क्या है और फिफ्थ पॉइंट क्या है आपकी कंपेंटेंसी आपकी एक्सपर्टीज क्या है ठीक है नेक्स्ट आइए नीड हमें अच्छा विजन या अच्छा मिशन क्यों रहना चाहिए विजन तो समझ लिया मिशन की बात समझते हैं। इज द नीड पहला ऑफ़ ऑफ़ मतलब क्या? एक ही पर्पस होना चाहिए मतलब सपोज अगर ऐसा हो जाए इंस्पायर एकेडमी में राज सर ने बींग दी ओनर बींग मैनेजमेंट एक पर्पस सेट कर लिया कि हमने ऐसा ऐसा करना है करण सर ने कुछ अलग बोला श्रीकांत सर ने कुछ अलग बोला मयूर सर ने कुछ अलग बोल दिया तो हम आपस में झगड़ते रहेंगे हम सर्विस क्या प्रोवाइड करेंगे तो जिस मोमेंट पे कोई फैकल्टी जुड़ता है यहाँ पे कोई भी टीम मेंबर जुड़ता है वो क्या देखेंगे इंस्पायर का मिशन क्या है और ये मिशन क्लियरली कम्युनिकेट करना किसका काम है राज सर का काम है उसी मिशन के बेसिस पे हम लोग जुड़ेंगे तब जाके हम एक प्रॉपर तरीके से चीजें प्रोवाइड कर पाएंगे तो ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं जो जो भी कंपनीज सक्सेसफुल रह चुके है, यहां पे ऑफ़ होता ही ही है क्यों सब लोग एक चीज के लिए काम करते तब वो चीज होती है अगर सब पांच सब सब करूंगा तो कुछ होगा ही नहीं पॉसिबिलिटी है क्रॉस करना है

मैं देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जब भी बुक्स अपडेट करता हूँ तो बना दिए नोट्स बनाने बाद आप तो उसको बाद में देखोंगे। वो नोट्स के बेसिस एडमिशन होंगे बट ये तो बाद में, ना, वो बुक जब प्रिंट मेरे हाथ में आती है तो मेरे लगता है अच्छे से बन गई बुक अपने को सेटिस्फेक्शन मिल जाता है अरे बहुत भारी काम कर लिया ने ये उस काम की बात है वो मोटिवेशन की बात है तो छोटे छोटे टुकड़े आएंगे हमारे मिशन के इससे इट हेल्प यू टू सम मोटिवेशन एंड अहेड दूसरा

आपका फोकस क्या है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तो सस्ते में कैसे बनेंगे अच्छे से कैसे बनेंगे उसके ऊपर रिसर्च करना उसका मटेरियल कलेक्ट करना ठीक है नेक्स्ट एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट मतलब क्या ये अपन जो बोलते हैं एक प्रॉपर एटमोस्फेयर एनवायरमेंट एक माहौल क्रिएट करना वो ये मिशन बनाता है राइट right? मतलब दस लोग काम कर रहे हैं सुबह सुबह टीम लीडर आके बोलता है चलो आज अपने को इतना काम खत्म करना है सब लोग उसमें एनर्जेटिक में, में हाँ, चलो इसको खत्म करेंगे आज ठीक है नेक्स्ट टू फॉर्मुलेट एंड गोल्स एक पॉइंट कॉमन है दोनों चीजों में Vision में विजन इट हेल्प यू टू फ्रेम योर मिशन ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स मिशन इज हेल्पिंग यू टू फ्रेम योर ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ठीक है चलिए आइए आगे, आगे अच्छा मैं क्या बोलता हूँ एक बार रीड कर लेता ना चलो ध्यान से जिनको याद है बिना देखे बोलो, जिनको याद नहीं है सामने देखो। डेफिनेशन क्या था प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी यूज्ड मार्केट्स सर्वड नीड ऑफ कस्टमर्स एंड कॉम्पिटेंसीज नीड क्या है मिशन की यूनाइनिमिटी ऑफ पर्पस मोटिवेशन प्रोवाइड करेगा हेल्प टू रिसोर्सेज फोकस पॉइंट

आगे अचीव करना है अगर मैं बोलता हूँ मुझे महीने का एक करोड़ रुपया कमाना है तो उसके लिए आपको सीए में बनना है काम करना है स्किल्स करनी है, मार्केट पता नहीं चल क्या मिशन है आपका सीएम करना अगर आप किसी इंसान को बोलते हो कि मैं सीएम कर रहा हूं तो वो एक पर्टिकुलर से आपको देखेगा अरे हाँ ये सीएम कर रहा है मतलब ठीक है शायद उसको दिमाग होगा थोड़ा बहुत नहीं है वो अपने

मैं जब मेरा सी ए फाइनल का एग्जाम हो चुका था सी ए फाइनल का एग्जाम दे दिया था उसी एग्जाम में जिसमें मैं पास हुआ उस एग्जाम की बात करो मैंने एग्जाम दे दिया था तो टैक्स वगैरह का नॉलेज सब था उसमें सीए फाइनल में डिटेल में था टैक्स तो बहुत ज्यादा डिटेल में है सीए में कंपेटिवली सब पढ़ लिया मेरे बिल्डिंग में मेरे घर के नीचे एक इंसान रहता है उसको कुछ तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना था पूछना था मुझे पता मुझे काम अच्छे से आता तो वो ऐसा मतलब नहीं किया कोई आपके पहचान में है क्या जो हमको ये हेल्प कर पाएगा मतलब वो कॉन्फिडेंट था कि तू तो नहीं कर पाएगा

एक अलग तरीके से देखना चालू कर दिया तो उसकी बात हो रही है बस बाकी so, अपने अपने उसके ऊपर फोर देखो सिर्फ प्रॉफिट नहीं मतलब क्या और क्या मिशन जब आप बनाते हो तो मिशन में देखो कोई भी बिजनेस का एक इंटीग्रल पार्ट है पैसा कमाना पैसा नहीं तो बिजनेस नहीं है वो बट बिजनेस में पैसे कमाने के अलावा आपको वैल्यू भी देनी है वैल्यू नहीं दोगे तो पैसा शॉर्ट टर्म बनेगा आगे नहीं बननेगा तो पैसे के अलावा और क्या चीजें हैं ये भी बताता है आपका मिशन नेक्स्ट नंबर फाइव आपका मिशन जो भी होगा वो मिशन होना चाहिए अचीवेबल मैं दिन में पच्चीस घंटा पढ़ाई करूंगा अचीवेबल है क्या नहीं मैं दिन में दस घंटा पढ़ाई करूंगा शायद ये भी अचीवेबल नहीं होगा किसके लिए तो वो अपने को अपनी रियलिटी की सिचुएशन समझनी है और फिर प्लान करना है ठीक है नेक्स्ट नंबर सिक्स मोटिवेटिंग

ऑब्जेक्टिव और गोल बनेंगे आइए ऑब्जेक्टिव का मतलब दे आर फ्रेमड फॉर्म विजन एंड मिशन दूसरा ये बेसिकली इनका दूसरा नाम है परफॉर्मेंस टारगेट वेना यूज दिवर्ड टारगेट या वेना यूज दिवर्ड परफॉर्मेंस इसका मतलब क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव है अगले दो घंटे में चैप्टर नंबर वन का कंप्लीट करूंगा ये मेरा ऑब्जेक्टिव बन गया अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो ये मैं परफॉर्म तो कर रहा हूं ना टारगेट भी सेट किया हुआ है नहीं कंप्लीट हुआ तो मुझे पता चलेगा नहीं कंप्लीट हुआ उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं करूंगा तो छोटा सा ऑब्जेक्टिव तो क्या मैं बोल सकता हूं आज के लेक्चर में जो मुझे कंप्लीट करना है मेरा ऑब्जेक्टिव सेट है हाँ ठीक है देन गोल गोल इज मोर स्पेसिफिक मोर प्रेसाइस

तो तीन घंटे होने बाद नहीं समझना चाहिए कि तीन घंटे में पेपर नहीं हुआ दो घंटे में जितना टारगेट है नहीं अचीव हुआ तो आपका टारगेट सबसे डिजाइन करने पड़ेंगे वापस ठीक so, है चलिए सो और ज्यादा स्पेसिफिक गोल है ब्रॉडर क्या है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम क्या है परफॉर्मेंस टारगेट सबसे लॉन्ग टर्म क्या होने वाला है सबसे लॉन्ग टर्म विजन विजन के बाद दूसरा लॉन्ग टर्म मिशन उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म है क्या नहीं उसके बाद उसके बाद दूसरा क्या गोल्स गोल्स के अंदर में क्या देखा अपन ने ये और ज्यादा शॉर्ट टर्म और ज्यादा स्पेसिफिक है चलिए उसके बाद आइए कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स टुगेदर चलिए नंबर वन अरे ऑनलाइन वाला जिंदा हो क्या रिप्लाई नहीं कुछ इतनी देर से क्यों ऐसा बताओ जरा फटाफट चलो यस आगे बढ़ रहा हूं मैं चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स नाइन कैरेक्टरिस्टिक्स आइए समझते हैं बहुत सारी चीजें इसमें से कॉमन रहने वाली जो हमने विजन में पढ़ा हुआ है जो अलग है उसको मैं पहले पढ़ता हूं पॉइंट नंबर देखना फोर मेजरेबल एंड कंट्रोलेबल विजन मेजर कैसे करोगे विजन तो आपका सपना है ना सपने को मेजर नहीं किया जा सकता मिशन वो भी बहुत बड़ा है मेजर करने के लिए बट ऑब्जेक्टिव और गोल्स को मेजरेबल रखा जा सकता है मतलब एक घंटा दो घंटा एक हफ्ता दो हफ्ता एक महीना एक साल यू कैन मेजर एक साल में, में मेरा प्रोग्रेस कितना हुआ है नहीं तो हम चीजें चेंज करेंगे उसको कंट्रोल भी कर सकते क्या हाँ अगर नहीं हुआ है कंप्लीट तो कंप्लीट कैसे करना है उसको देखना पड़ेगा नंबर फाइव देर टाइम बाउंड परफॉर्मेंस टारगेट जब मैं बोलता हूं जो दूसरा नाम है किसका ऑब्जेक्टिव का वेन आई यूज दर्फॉर्मेंस टारगेट वॉट डू आई मीन

हो सकता है पॉसिबल है वर्ल्ड कप मैचेस चालू है किसका हो सकता है मैं वर्ल्ड कप मैचेस देखते बैठूंगा बैठूटेंट है ये पकड़ के चलना वी हैव टू इट अगर हम कंसिडर करेंगे तो उससे हम वीक बनेंगे क्या नहीं उससे हम अपने आप को और अच्छे तरीके से जान पाएंगे और प्लान कर पाएंगे गेटिंग पॉइंट नो ठीक है चलो उसके बाद पहले दो तीन पॉइंट देख लो टू अचीव मिशन बेसिस फॉर डिसीजन एंड क्लैरिटी बिटवीन दी ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंट ठीक है क्लियर है ये वाला पॉइंट भी कॉमन है मोटिवेटिंग आइए ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के फोर ऑफ ये क्वेश्चन

क्लियर है क्या चलिए रिवाइज करेंगे पूरा मैं क्या बोलता हूँ स्ट्रेटेजी हो गया ना खत्म एक ही पॉइंट बाकी है शायद लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक है चलो सो स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दस क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है डेफिनेशन डेफिनेशन क्या? क्या है डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग रिसोर्सेज टू गेन एडवांटेज इन अ डायनेमिक एनवायरमेंट टू मीट स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन फीचर्स क्या है फोर साइट लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कस्टमर एंड कंप्यूटिटर बिहेवियर रोड मैप बना था विजन मिशन ऑब्जेक्टिव गोल्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस होना चाहिए रिसोर्स रिसोर्स मेजर चेंजेस एनवायरमेंट में लेकर के आएंगे स्कोप ऑफ एक्टिविटीज उसके साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो कैपिटलाइज करो एंड लास्टली ऑपरेशन पर इंपैक्ट करेगा इसी वजह से कुछ थे पहला कॉन्सिक्वेंस कॉम्प्लेक्स नेचर दूसरा अनसर्टन सिचुएशन तीसरा इंटीग्रेटेड अप्रोच चौथा चेंज इन साइड दर्गेनाइजेशन आउटसाइड दर्गेनाइजेशन ठीक है उसके बाद

एनवायरमेंट के एनालिसिस करना रिवाइज करो डायरेक्शन या फिर सेट करो उसके बाद ऑप्शन ऑफ स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव इंप्लीमेंट करो इवेल्युएट करो कंट्रोल करो ठीक है उसके बाद विजन मिशन आइए पहले पूरा विजन देखते हैं फिर पूरा मिशन देखते हैं विजन में स्टेटमेंट ऑफ

यूनानिमिटी ऑफ पर्पस मोटिवेटिंग लॉकेट रिसोर्सेज फोकस रहता है फोकल पॉइंट स्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट हेल्प टू फॉर्मुलेट ऑब्जेक्ट्स एंड गोल्स फॉर्मुलेशन के अंदर में लॉन्ग टर्म है

स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन तीन लेवल्स लेवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें कौन सी पता है हमें पता है टॉप मिडल और बॉटम ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है बट ये स्ट्रेटेजिक लेवल्स नहीं है स्ट्रेटेजिक लेवल्स मतलब क्या जहां पे स्ट्रेटेजी बनती है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो रही है हम जब बात करते हैं टॉप मिडल और बॉटम लेवल की

बिजनेस हेड पे कौन हो जाएंगे जो बिजनेस लेवल पे है ये वो लोग हैं जो विजन और मिशन के बेसिस पे मिशन अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स बनाएंगे और काम को इंप्लीमेंट करना चालू करेंगे और फंक्शनल लेवल पे कौन आ जाएंगे वो लेबर लेबर लोग हैं जो काम करेंगे उस पर राइट अगेन अ वेरी अगेनर एग्जाम्पल देता हूं आपको जब मैं कॉर्पोरेट लेवल की बात करता हूँ अगेन इंस्पायर का एग्जाम्पल ले लो राजर ने विजन सेट किया हुआ है इंस्पायर का मिशन सेट किया हुआ है कि ऐसा करना है इसी तरीके से करना है

ये कौन सा हो गया ये फंक्शनल लेवल हो गया जो फंक्शन करेंगे बिजनेस लेवल है जो प्लान करेंगे डिविजनल मैनेजर्स जो उस पर्टिकुलर वर्टिकल को लीड करेंगे और कॉर्पोरेट लेवल क्या है ओवरऑल ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का growth, का ग्रोथ विजन एंड मिशन ठीक है Clear है क्लियर इसी के साथ चैप्टर होता है अच्छा एक काम करना है आज रात को मैं लेक्चर नहीं लेता हूं क्यों नहीं लेता हूं बता रहा हूं रीजन ये जो भी अपन ने पढ़ा है ना इसको आपने एक बार रीड करना है जो समरी है वो देता हूं उसमें से प्लस दूसरी इंपॉर्टेंट चीज

मैं भाई टिकेट सियल टमोरो अकाउंट्स चार बजे